नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो कन्याकुमारी से रामेश्वरम तक का बस जर्नी का है। एसी की हमारी बस थी जिसमें हमने ये सफ़र किया और ये हमारी गाड़ी यहाँ से अभी चालू हो गई है। तो आपको थोड़ा चलने के बाद आगे थोड़ी देर के लिए चाय पानी के लिए गाड़ी रुकी और फिर वहाँ से जल्दी ही हम चल पड़े। और ये उस होटल का व्यू है और आगे बहुत ही शानदार ये वीडियो हुआ, बहुत ही मज़ा आया इस ट्रिप में। तो आप भी मेरे साथ पूरा वीडियो देखें और इस ट्रिप को एंजॉय करें। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की बस थी और इसमें जो ड्राइवर थे वो आगे मेरे को बैठने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। तो आज शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ वीडियो रिकॉर्डिंग करने में, क्योंकि मैं पीछे की सीट पे बैठा था और आगे से जो व्यू आता है वो पीछे से नहीं आ सकता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ड्राइवर जो है वो मेरे फेवर में हो गया और आगे चल के मुझे आगे की सीट भी अलाउ कर दी। तो मैं वहाँ आगे बैठने से और बहुत ही शानदार व्यू आगे का मिला। और इस पूरे ट्रिप की बात करें तो इस पूरे ट्रिप में पाम्बम ब्रिज जो है तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का, जो हमें तमिलनाडु से और रामेश्वरम, या ये बोल सकते हैं कि रामेश्वरम में एंट्री कराता है क्योंकि तमिलनाडु के अंदर ही है रामेश्वरम भी, लेकिन वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बीच में 2-2.5 किलोमीटर का बीच में समुद्र आता है जिसको ब्रिज के द्वारा हमें क्रॉस करना होता है। और वो एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार हुआ। और वो जब हम रामेश्वरम एंट्री करते हैं उस टाइम आता है, तो उस टाइम तक ड्राइवर के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी और उन्होंने मेरे को आगे की सीट जो है उसको पे अलाउ कर दिया था। तो वहाँ से वो रिकॉर्डिंग हुई। बाकी ये आप देखें, बहुत ही अच्छा व्यू हमें मिला इस ट्रिप में और बहुत ही शानदार ये ट्रिप रहा। आप भी इसको एंजॉय करें। वैसे तो मैं तमिलनाडु काफ़ी बार आ चुका हूँ, लेकिन ये एक अलग एक्सपीरियंस मैंने किया बस के द्वारा कन्याकुमारी से रामेश्वरम का, क्योंकि रामेश्वरम मैं पहली बार जा रहा था। और इस बस के द्वारा जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही शानदार था। तो इस वीडियो में ख़ास जो बात थी वो यही थी कि वो जो ब्रिज है उसको क्रॉस करने का जो आनंद है वो अलग ही होता है। और पूरा रास्ता जो है वो कोस्टल था, क्योंकि ये मैं कोस्टल भारत की यात्रा कर रहा हूँ और उसी का ये वीडियो है। तो कोस्टल कोस्टल चलते हुए और बहुत ही शानदार, हम समुंदर के साथ साथ जो अच्छी रोड और शानदार साथ में समुंदर, आप देखें ये आपके राइट साइड में समुंदर दिख रहा है। तो इस समुंदर को नज़दीक नज़दीक से देखते हुए और ये हमने सफ़र किया और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव था। ये एक अलग अनुभव था क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, आप सभी को पता है, और राजस्थान में समुंदर नज़दीक में नहीं है, समुंदर के किनारे राजस्थान को नहीं लगते हैं, इसलिए ये मेरे लिए एक अलग ही अनुभव था। और बहुत ही शानदार हमने इस ट्रिप में इंजॉय किया। तो आप भी इसको पूरे वीडियो को देखें और आप इंजॉय करें इस ट्रिप को। और जिस ब्रिज की हम बात कर रहे थे उस ब्रिज के भी हम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। अभी आपके सामने जो रोड है ये उसी ब्रिज के क्रॉस कर रहा है। अभी हम तकरीबन उसके ऊपर हैं। आप देखें दोनों साइड में समुंदर आपके है और ये दूसरी साइड में आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, तो ये ट्रेन का ट्रैक बना हुआ है। एक ट्रैक बना हुआ है, एक ट्रैक पे अभी काम चल रहा है, वो भी जल्दी ही तैयार हो जाएगा। तो ट्रेन के लिए 2 ट्रैक अलग अलग, और इसको बीच में थोड़ा सा जो जगह है, क्योंकि ये जो आप रोड का जो ब्रिज बना हुआ है ये तो काफ़ी हाइट पे है, लेकिन ट्रेन का जो ब्रिज है वो बिल्कुल समुंदर के लगता हुआ है, थोड़ा ही ऊपर है उससे। तो उसको बीच में
आगे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में थोड़ा आगे, बीच में एक हिस्सा ऐसा है जिसको ओपन किया जाता है। जब कभी बड़े सीप यहाँ से निकालने होते हैं तो उसको ऊपर उठा करके और वहाँ से सीप निकाले जाते हैं। और ये जो जिस ब्रिज से हम क्रॉस कर रहे हैं, रोड का जो ब्रिज है, ये तो काफ़ी हाइट में है, तो इसके नीचे से तो आराम से ये आपके क्रॉस हो सकते हैं जो जहाज़ होते हैं। तो मैं आपको दूसरा स्क्रीन लेके दिखाता हूँ, ये आप देखें, ये ट्रेन से लिया गया फुटेज है जो मैंने ट्रेन से रिकॉर्ड किया था। और उसमें आप देखें तो ये ब्रिज काफ़ी हाइट पे है जो हम जिस पे चल रहे हैं, और बाजू में जो ब्रिज है जो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ जैसे ये लोग इकट्ठे हैं, तो ये यहाँ पर वो ब्रिज है जो ऊपर उठाया जाता है, जिसके नीचे से और सीप निकाले जाते हैं जब कभी बड़े सीप यहाँ से निकालने होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा ट्रिप हमारा बहुत ही शानदार था, और ये ब्रिज का जो अनुभव था ये अलग ही था। और इसको मैंने बाई ट्रेन भी कवर किया, जो मैंने अभी आपको फुटेज दिखाई, तो उसमें एक अलग ही अनुभव था, उसका भी वीडियो मैं आपको आगे दे देता हूँ इस वीडियो के बाद में, तो आप उसे भी ज़रूर देखें, जिससे आपको अलग तरह का अनुभव यदि आपने यहाँ आकर के नहीं लिया है। अब मेरा यहाँ ये कहना है कि यदि आप आ के देखते हैं तो वो एक अलग ही अनुभव होता है, लेकिन आप नहीं आ पाए हैं अभी तक यहाँ, तो वीडियो के माध्यम से आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। देखिए ये लोग गाड़ी ले लेके यहाँ आ जाते हैं या दूसरे साधनों से जैसे भी, तो यहाँ वीडियो बनाना, सेल्फी लेना, ये सब चलता रहता है क्योंकि बहुत सारी भीड़ रहती है। ये देखिए आपके साइड में ये सब टूरिस्ट की गाड़ियाँ हैं जो खड़ी हैं, और लोग यहाँ पर अपनी सेल्फी ले रहे हैं, अपना वीडियो बना रहे हैं, इस तरह से ये अपना इंजॉय करते हैं। लेकिन बहुत ही शानदार ये व्यू यहाँ का, और बहुत ही शानदार ये ब्रिज जो हमें अलग तरह का एक अनुभव देता है रामेश्वरम का। वैसे तो रामेश्वरम का आपको पता ही है एक अलग ही स्थान है, क्योंकि चार जो धाम है उसमें से एक धाम रामेश्वरम में है, और यहीं से रामेश्वरम से ही आगे श्रीलंका लगता है, और वहाँ पर राम सेतु ब्रिज बना करके सीता जी को लाया गया था वापस, जब रावण उनका हरण करके ले गया था, तो वो भी रामेश्वरम से आगे धनुषकोटी में है, उसका भी वीडियो आपको आगे मिलेगा। तो आप इन्हें यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो आपके पास पहुँच पाए टाइम पर, और वो वीडियो आप ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरे ट्रिप का आनंद आपको मिलेगा। और अभी हम ब्रिज से जैसे नीचे उतरते हैं तो रामेश्वरम शुरू हो जाता है, पहले पाम्बम विलेज आता है, और उसके बाद थोड़ा आगे चलते ही आगे हमें अब्दुल कलाम साहब का म्यूजियम बना हुआ है वो हमें मिलता है लेफ्ट साइड में, और उसके बाद आगे बस स्टैंड आ जाता है जो यहाँ से तकरीबन, इस ब्रिज से तकरीबन 5-6 किलोमीटर है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये पूरा वीडियो देखा उसके लिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।